गाइस देख सकते हैं क्या बात है सकते हैं। यहाँ पर कुछ यहाँ के मैं समझता हूँ लोकेलिटीज ने देखिए पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए रॉड्स लगा दी हैं काफ़ी ज़बरदस्त। आया देख के हमारे जगह साहब ऊपर पहुँचते हुए क्या बात है जगह साहब बहुत खूब चलो आई सा आई साहब चढ़ो कोई जल्दबाजी नहीं हेलो हेलो क्या बात है अली बहुत खूब क्या बात है यान जबरदस्त चलो बहुत खूब हेड जगह वहां से रखो चढ़ अरे एक मिनट भाई भी आ रहा हूँ देखिए आज फिर से एक बेहतरीन संडे मनाने एक एक्सकर्शन मनाने एक जबरदस्त लोकेशन पे आए थे। इतना प्यारा लोकेशन है देखिए सिटी से सिर्फ हम 60 किलोमीटर दूर पे आए थे। ऐसी ऐसी वादियां हैं ऐसे गांव हैं ऐसे खेत खलियान हैं कि देखेंगे तो दिल से जुबान से एक ही निकलेगा या तो वाह निकलेगा या तो फिर माशाल्लाह निकलेगा। देखिए ऐसी जबरदस्त वादियों में आए हैं देखिए आसपास में इतने बेहतरीन चीज़ें हैं ये चीज़ों को आकर जरूर देखिए। हम अक्सर क्या करते हैं कि हम दूर दूर का प्लान डालते हैं कि मनाली जाएंगे फलाना जाएंगे गुवाहाटी जाएंगे गोवा जाएंगे। इतनी दूर दूर जाने से बेहतर है देखिए करीब में अपने आसपास के गांवों को देखिए यहाँ के पहाड़ों को देखिए यहाँ के वादियों को देखिए। कभी आकर इन चीज़ों पर गौर कीजिए कि बनाने वाले ने किस तरह इन लोगों को डिज़ाइन करके रखा है। देखिए हमेशा हम आर्टिफिशियल चीज़ें जो बनी हुई रहती हैं जो इंसान बनाता है वही देखते हैं वहाँ पर परचेस करके जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कुछ परचेस करना नहीं कोई टिकट लेना नहीं है यहाँ पर आके सिर्फ ये चीज़ों को देखना देख के देखिए कुदरत को देखिए किस तरह ये जमे हुए हैं और इतने बड़े पहाड़ है मेरे पीछे कि अभी हम चढ़कर बताएंगे आपको और ऐसा बेहतरीन नज़ारा है यहाँ का गाँव का यहाँ के वादियों का कि आपकी जहाँ तक नज़र जाएंगी देखिए वहाँ तक पूरे पहाड़ी पहाड़ मिलेंगे आपको यानी पूरे वादियाँ ही वादियाँ मिलेंगी। तो ये चीज़ों में यहाँ पर आने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है देखिए आपके हेल्थ के ऊपर जो असर होता है देखिए वो बहुत ही बेहतरीन होता है। यहाँ की ताज़ी हवा यहाँ की परिंदों की आवाज़ें और यहाँ की क्या कहते हैं ये खेत खलियान देखकर देखिए ताजगी आती है। देखिए ये मूड फ्रेशनर चीज़ें हैं देखिए ये मूड फ्रेशनर के लिए यहाँ पर ज़रूर आ सकते हैं। देखिए मूड फ्रेशनर के लिए सिगरेट मारने से मूड फ्रेश नहीं होता है हुक्का मारने से मूड फ्रेश नहीं होता है कहीं जाकर आप चाय मारेंगे तो मूड फ्रेश नहीं होता। मूड फ्रेश चीज़ें यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहाड़ों के बीच में से जो रास्ता बना हुआ है देखिए वो रास्ते को देखिए कभी रास्तों पर आकर गाड़ी भगाइए देखिए कितने बेहतरीन वादियाँ हैं। आप मिस कर रहे थे क्या वहाँ पर बहुत मिस कर रहे हमारी वीडियो देख रहे थे क्या इसी तरह देख सकते हैं गाइस हमारे साथ अली आए हैं। अली तो अक्सर आते जा रहे हैं और हमारे खुसूसन नए साल के विनर भी हैं। देखिए इससे पहले भी विनर्स थे बट वो विनर्स इधर उधर चले गए अभी नए साल के नए विनर भी हैं हमारे साथ और एक दो बच्चे भी आने वाले थे बट वो आगे पीछे होने की वजह से आ नहीं सके। तो अली रेडी है ना चलेंगे ऊपर चलो और जगह साहब कहाँ से जाएंगे इधर से चलेंगे रास्ता दिख रहा है यहाँ से दिख रहा है चलो चलो जी आगे बढ़ो चलो आगे बढ़ो गाइस देख सकते हैं गाइस अभी हम ऑलरेडी काफ़ी हाइट पे चढ़ चुके हैं और क्योंकि यहाँ तक हमने बाइक के जरिए से पहुँचे थे अभी यहाँ से पूरा जंगल शुरू हो गया है। देखिए तो अभी हमारे सर है जो जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है ट्रैकिंग का और काफ़ी यानी देख चुके हैं अपने ज़माने से अपनी जवानी से काफ़ी जंगल शिकारा कर चुके हैं। देखिए तो अभी वो आगे ले आते हुए हमारे ना चलो आयान कमान आगे बढ़ो चलो जगदेव साहब नीचे है ना लकड़ी वो ले लो बहुत अच्छे क्या बात है ऐसे वादियों में ज़रूर फिरा करिए गाइस। देखिए आप भी आ सकते हैं देखिए गाइस हम ज़्यादा नहीं सिटी से 50-60 किलोमीटर दूर पर जाते हैं तो ऐसे वादियों में ज़रूर आइए आकर यहाँ का लुत्फानंदोज़ लीजिए। ऐसे झाड़ों में देखिए प्योर ऑक्सीजन है यहाँ पर और कोई यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन नहीं है देखिए चलो बहुत अच्छे क्या बात है चलते देख सकते गाइस काफ़ी चिड़ियाँ अपने झुंड के झुंड है यहाँ पर मैं समझता हूँ बटेर की तरह दिख रहे हैं मुझे बट उनसे चिड़िया नहीं मान ये भी काफी झूम उठ रहे हैं देखें चलो बढ़ते आओ देख सकते हैं गाइस यहाँ पर भी एक छोटा सा माउंटेन है बट ऐसा लग रहा है कि कोई अलादीन का चिराग के मानी नहीं देखिए शायद उसे घसे तो जिन भी निकलता होगा हुबहू उसी तरह का है देखिए गाइस अभी थोड़ा आपको जूम करके बताता हूँ देख सकते हैं बिल्कुल अलादीन का चिराग दिख रहा है। तो ये रास्ता है देखिए गाइस ये पहाड़ों से उतरता पानी और सामने एक केक के नुमा जमा हुआ है देखिए केक को डिज़ाइन करने के लिए जिस तरह जमाते हैं स्लाइसेस उस तरह का पहाड़ है अभी वहाँ पर जाएंगे हम जाकर वहाँ से देखेंगे क्या नज़ारे हैं क्या बात है गाइस बहुत अच्छे चलो आया ऊपर जाओ अभी यहाँ से ऊपर चढ़ना शुरू हो गया देखिए गाइस ऊपर चढ़ते जाएंगे यहाँ से काफ़ी पत्थर है देखिए चट्टाने हैं हमारे सर देखिए किस तरह जाते हैं
इससे इनके मसल्स देखिए एकदम घट होते हैं, और यहाँ की जो सुबह की धूप है इसमें विटामिन डी छुपा हुआ आता है, वो लेने से भी काफ़ी स्ट्रांग होते हैं आपके मसल्स, आपके नी पैंस। आज घुटनों के दर्द के लिए इतने परेशान हैं लोग कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई ऐसी दवा लाइए कि दर्द चले जाए। इसके लिए आपको ऐसे ट्रैकिंग करना पड़ेगा, देखिए तब जाकर ही आपको मसाइल से छुटकारा मिलेगा, वरना दवाई कितनी भी खा लो दवाई में कोई वो नहीं है, देखिए असर नहीं है। टेम्पररी रिलैक्स ज़रूर देगा आपको, परमानेंट रिलैक्स तो नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको अपने आपसे ही तैयारी करना पड़ेगा। क्या बात है गाइस, आगे बढ़ो। अभी हम करीब में पहुँचते हुए देखें, चलो अली बहुत अच्छे। चलो ऊपर चढ़ी, ऊपर क्या बात है जकरिया साहब, यहाँ से चलो। बहुत अच्छा अली, इसी तरह हटाते झाड़ियों को जोर से मारो, हट जाते दगले जो सूखे तोड़ जाते। चलो आगे बढ़ो। चलो जकरिया साहब वहाँ क्या कर रहे हो सर, चलो कब तक झाड़ियाँ बने थे, बाहर निकलो। चलो जल्दी जल्दी बाहर निकलो, चलो आयान कमान। चलो आगे बढ़ो, कुर्ती में रहना आप। तो गाइस देख सकते हैं काफ़ी बड़ी चट्टान है, और इस पर अली इस पर ट्रैकिंग करने का ज़बरदस्त मज़ा आएगा, रस्सी से चढ़ने का। मेरे ग्लव्स होना पड़ेगा क्योंकि हाइट अच्छी खासी 20 फीट हाइट है। बहुत अच्छे गाइस, चलो आगे बढ़ो। क्या बात है, रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हुए। चलिए चलिए आगे बढ़ो। चलो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। अरे यहाँ पर भी पत्थर तोड़े नहीं। चलो यान बहुत अच्छे, क्या बात है गाइस देख सकते हैं ये अपने आप में काफ़ी अमेजिंग है। देखिए पहाड़ी कितना ऐसा लग रहा है कोई जेट प्लेन टेक ऑफ के लिए रेडी है ऊपर, और यहाँ पर भी डेमोलिश किया जा रहा है, देखिए ग्रेनेड्स तैयार कर रहे हैं, यानी हर तरफ नेचुरल को बर्बाद कर रहे हैं। क्या बात है जकरिया साहब, चलो अली कमान। तो देख सकते हैं गाइस अभी काफ़ी करीब में हम पहुँचते हुए, और अतराफ में देखिए सराउंडिंग में काफ़ी दिलचस्प नज़ारा है। चलो क्या बात है सर, बहुत अच्छे। चलो ऊपर चलो, अब है असली ट्रैकिंग का मजा। चलो ऊपर चलो, चलो अली कमान, जाके थोड़ा हेल्प करो सर को। वेल डन अली, क्या बात है अली, दूसरों को हेल्प करो वहां ठहर के। क्या बात है, चलो बहुत अच्छे, रस्सी छोड़ो। चलो जकरिया साहब क्या बात है, बहुत खूब आयान, चलो आप भी पीछे रहो। तो देख सकते हैं गाइस अभी काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं, ये काफ़ी प्यारी हाइट है। देखिए अभी मैं आपको हाइट बताऊंगा पूरा ऊपर चढ़कर, जहां पर अली है वहां तक चढ़ के वहां से हाइट का व्यू दिखाऊंगा आपको। चलो अब मैं भी चलता हूँ अली इंजॉय करते हुए यहाँ पर। और जकरिया साहब कैसा दिख रहा है, बहुत खूबसूरत जो वादी का नज़ारा दिख रहा है, देखिए सामने देख सकते हैं आप। जी जी बहुत खूबसूरत दिख रहा है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। और आयान कैसा दिख रहा पहाड़ पे चढ़, बहुत अच्छा दिख रहा, ऊंचाई से डर हो रहा नहीं? नहीं नहीं हो रहा डर, काफ़ी ऊंचाई पे है ना अपन, डर नहीं हो रहा? नहीं, बहुत अच्छी बात है क्योंकि डर नहीं रहना, क्योंकि डर रहने पे काफ़ी लोग चढ़ते नहीं। तो ये थी देखिए गाइस, और सामने देखिए कोई गाँव है वहाँ पर, जूम करके दिखाऊंगा। देखिए थोड़ा सा कोहर है शबनम है जिसकी वजह से सही नहीं दिख रहा, और आसपास देखिए एग्रीकल्चर लैंड है जहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं, काफ़ी प्यारा लोकेशन है। देखिए गाइस ज़रूर आइए यहाँ पे। और अली कैसा दिखा आज का ट्रैकिंग? आज का ट्रैकिंग थोड़ा सिंपल था, सिंपल था, लास्ट टाइम जो था उससे तो सिंपल दिख रहा, सिंपल दिख रहा, पर मज़ा होता, मज़ा होता। ठीक है, तो गाइस ये थे छोटे छोटे वीडियो बनाना हमारा मकसद है, छोटे वीडियो बनाते रहेंगे ताकि देखने वालों को कभी ना कभी ये ख्वाहिश पैदा हो। सामने भी देखिए गाइस तीन पहाड़ है, देखिए किस तरह अलग अलग है, ऐसा दिख रहा है कोई
चूल्हा जलाने के लिए लाकर लगाए हैं, वहाँ पर बीच में चूल्हा जलाएंगे, बड़ा देश लाकर ऐसा लग रहा है। तो एक पहाड़ों में काफ़ी दिलचस्प क्या कहते हैं इमेजेस रहते देखा है, हम उन पर गौर करेंगे तो तभी दिखेंगे, तो वरना नहीं दिखेंगे। हाँ हाँ रास्ता है, चिड़िया बनाई थे वहाँ से। चलिए क्या बात है, बहुत अच्छे रायान, बहुत अच्छे। चलो अली गवान उतरो, देख आ जाओ आ जाओ। हाँ बहुत अच्छे, क्या बात है, यहाँ से उतरो सकिए सर। चलो आया, चलो अली वेल्डन, बहुत अच्छे, क्या बात है। देख सकते हैं गाइस सार हमारे अंदर नीचे उतर चले गए हैं। चलो जगरे साहब, ये क्या बात है, नेचुरल ट्रैकिंग करते हुए तो वो भी आर्टिफिशियल है। चलो अली कमा, बहुत जबरदस्त, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। देख सकते हैं गाइस ये है काफ़ी बड़ी पहाड़ी, देखिए अभी हम इसको पूरा ऊपर तक चढ़ रहे हैं, चढ़ेंगे, काफ़ी बड़ी है और अंदर से देखने का काफ़ी शानदार नज़ारा है। देखिए अभी आप देखिए ये बिल्कुल एक दूसरे के जस्ट सपोर्ट के ऊपर टिके हुए, देखिए ये नज़ारे हैं, देखिए कुदरत के, इसको बहुत ही प्यार और मोहब्बत से जमाया गया है। तो अभी यहाँ से हमारे साथी एंजॉय करते हैं, देखिए ऊपर देख सकते हैं गाइस काफ़ी अमेजिंग है, देखिए अमेजिंग और वाह क्या कह सकते हैं, सुभान अल्लाह भी कह सकते हैं। हर पहाड़ अपने दूसरे को टेक लेकर यहाँ पर रुका हुआ है, तो देख सकते हैं काफ़ी शानदार है। और ऐसा इतना हाइट पे इतना एक दूसरे को सपोर्ट पे मैं तो अब तक नहीं देखा, क्योंकि मैं अक्सर यही वीडियो बनाते रहता हूँ। और साढ़े से बजे सर कैसा ये नज़ारा, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए कुदरत का कैसा जो है करिश्मा है, एक पत्थर जो है बिल्कुल आके जो है इस पे जो है सो टिका हुआ है जी। और जो है मतलब कई सौ सालों से जो है सो ऐसा ही टिका है, ऐसे ही टिका हुआ है ये पत्थर। हाँ ये पत्थर। और ऊपर का पत्थर के बारे में क्या कहेंगे, वो चमक रहा जो गोल्डन कलर, वो पत्थर भी जो है सो मतलब वो भी एक करिश्मा जैसा दिख रहा है, करिश्मा जैसा दिख रहा है, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह क्या जो है सो कुदरत।